पिछले दिनों यहाँ रैली रखी थी वो भारी फ्लॉप रैली हुई और उस रैली के फ्लॉप होने से ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस कुकृत्य को और जो 6 विधायक बिकाऊ हैं उनके कुकृत्य को हमीरपुर की जनता ने पसंद नहीं किया है और प्रदेश की जनता ने भी पसंद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की रैली फ्लॉप होने के जो परिणाम आए उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या इन 6 बिकाऊ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चल पाएगी या ना चल पाएगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर जो है ऊना में हुआ, उसमें इस बात के ऊपर विशेष चिंतन किया गया कि इन 6 बिकाऊ विधायकों को पार्टी में लेने के बाद जो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भड़का है उससे भारतीय जनता पार्टी दो पार हुई और उन्होंने उसमें निर्णय लिया है कि हमें अब इन 6 बिकाऊ विधायकों के साथ कैसे आगे चलना, क्योंकि भारी विघटन जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है पूरे प्रदेश के अंदर भी हमीरपुर जिले में। जो चंडीगढ़ में उनका घर है उसमें कौन रहता है वो कहाँ रहते हैं खुद? राजेंद्र राणा का घर महीने में 21 दिन खुलता है जो पटलांदर में है, बाकी समय वो चंडीगढ़ में व्यतीत करते हैं और उनको ऐसी बात करने से पहले स्वयं की बात ऊपर सोचना चाहिए। जिस तरीके से राजेंद्र राणा जी प्रेम कुमार धूमल जी के चरणों पे गिर कर अब गिड़गिड़ा रहे हैं उनको वो दिन भी याद करने चाहिए जो वो पानी पी पी के जो थे वो प्रेम कुमार धूमल जी को पूछते थे और उनको गालियां तक देते थे, वो दिन भी उनको याद करने चाहिए। और आज वो उनके पैर पकड़ रहे हैं जब उनको जीतने के लाले पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेम कुमार धूमल जी समझते हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत जो है वो अपने वक्तव्य में दे दिया है। इनको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वो कभी माफ नहीं करेंगे। देखो तो जिसने मन बना लिया है जिसने जाना है उसको आप कितना भी प्रयास कर लो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ सरकार नहीं दे सकती, उनके मन मुताबिक माइनिंग की पॉलिसी सरकार नहीं दे सकती, प्रदेश के जो संसाधन हैं उनको लुटाने का जो फरमान है वो कांग्रेस जारी नहीं कर सकती थी उनकी। फिर माइनिंग भी एक बहुत बड़ा इसमें मुद्दा है और पद आवंटन भी, कई लोग जो थे वो मंत्री पद के बिना रह नहीं सकते जबकि मंत्री पद बहुत सीमित हैं, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है तो जितने पद थे वो दे दिए गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि वो उनकी जो मातक संस्था थी वो ज़्यादा थी और इसलिए उन्होंने अपना रुख पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में जाने का बना दिया।